नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, क्लास 10th। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूट टू एंड रूट थ्री की वैल्यूज़ निकालना बताया था। रूट टू एंड रूट थ्री इरेशनल नंबर्स हैं जिनका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसमें डिजिट का कोई पैटर्न नहीं है। इसी तरीके से रूट थ्री में भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अब हम देखेंगे रूट फाइव, रूट फाइव का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला जाता है। नाउ लेट अस सी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट फाइव। सो 2 2s are 4, ये नहीं रहेगा, 2 2s are 4 एंड यहाँ 1 बच गया। इस 2 को इसके नीचे लाइए, सो दिस इज 2 plus 2 4 और यहाँ डेसिमल लगा के 2 0 बढ़ा दीजिए तो ये 2 टाइम्स जाएगा। जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, 42 2s are 84। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 16, चूँकि डेसिमल लगा हुआ है तो फिर 2 0 बढ़ाइए और इस 2 को इसके नीचे ले आइए। दिस कम्स एज 44, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड दिस इज 13। दिस कम्स एज 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा एंड दिस इज 5, तो यहाँ पर 2 बच गया। इस 3 को इसके नीचे लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, इट इज 4 4 6 और यहाँ पर डेसिमल तो लगा ही हुआ है इसलिए 2 0 बढ़ा दें। अब जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे तो इट इज 4, तो इसे 6 टाइम्स जाना चाहिए। लेट अस सी ये 6 टाइम्स जाता है क्या। सो इसको 6 टाइम्स देखते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, सो दिस इज 26। इससे पता चलता है कि 6 टाइम्स जा रहा है। सो 2 6 7 9 6, यहाँ पर 4, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ 0 है, 10, दिस इज 3। डेसिमल लगा हुआ है तो 2 0 बढ़ा सकते हैं और इस 6 को इसके नीचे लिख दें। नाउ इट इज 12 7 4 4, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो अब ये कितने टाइम्स जा सकता है, 4 4 7 2, लेट अस चेक। तो अगर हम 1 भी लिखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 4 7 2 1 into 1, तो ये 4 4 7 2 1 जो कि इससे ज़्यादा है। तो अभी अभी आपने 2 0 लगाया है लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में 1 0 इधर और 1 0 इधर लगाकर 2 0 और बढ़ा सकते हैं। नाउ और अब जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउ देयर आर चांसेस कि ये 6 या 7 टाइम्स जा सकता है। सो लेट अस इंक्वायर कि ये कितने टाइम्स जाएगा। 7 2 0 6 टाइम्स पहले लेके जाते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12,
6, 7 जा 42, 43, 6, 4 जा 24, this is 28, 6, 4 जा 24, so this is 26, it is 26. Now, तो ये 6 times जा सकता है, 7 times में ज़्यादा हो जाएगा, so 2, 6, 8, 3, 2, 3, 6. Now, it is 4, 9 में से 3 जाएगा, तो 6, 9 में से 2 जाएगा, तो 7, 9 में से 3 जाएगा, तो 6. Now, 13, 1 तो इसको कैरी दे दिया है, तो 13 में से 8 जाएगा, तो 5. Now, 9, तो यहाँ पर कितना बच गया? ऐसा हो गया. सो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका पैटर्न है डेसिमल एक्सपेंशन का, वो नॉन रिपीटिंग है. सो रूट फाइव की वैल्यू हो गई 2.23606, और इस तरीके से ये और आगे चलता चला जाएगा. सो रूट फाइव का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. कुछ चीज़ें और देख लें. हम ये देखते हैं कि जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है. क्यों? बिकॉज इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3.142857, और इसी पर ये बार बार अब रिपीट करेगा. रिपीटिंग पैटर्न है क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है. वहीं पाई की क्या वैल्यू है? सो पाई की वैल्यू 3.14159263 ऐसे चलता चला जाएगा. अच्छा, पाई में ये आप आगे भी देखेंगे तो ये कितने आगे 2000, 3000, 10000 डिजिट तक भी आप जाओगे तो कहीं रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलेगा, सब अलग अलग नंबर्स होंगे. कई कई मैथमेटिशियंस ने तो पाई के डेसिमल एक्सपेंशन में बुक भी भर दी है, बट कहीं पर भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिला है. ना अब हम देखेंगे 22/7 में 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू साथ चलती है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक. फिर उसके आगे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, थर्ड डेसिमल प्लेसेस से अलग अलग हो जाती है. तो पाई एक इरेशनल नंबर है. क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. इसलिए ये इरेशनल नंबर है, जबकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. अब देखिए, आपको ये बात मालूम है कि जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, जहां r रेडियस होता है. सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r. सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी, क्योंकि डायमीटर 2r होता है. सो पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी. तो आप ये कह सकते हैं कि जब पाई की वैल्यू सी बाई डी है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये पाई कैसे इरेशनल हुआ? देखिए, ये c बाई डी के फॉर्म में लिखा जा सकता है. आप देखें तो रूट टू को भी रूट टू बाई वन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा जाने से तो ये रेशनल नहीं हो जाएगा, दोनों को इंटीजर भी होना चाहिए. सो यहाँ पर बोथ c एंड d और आइदर वन ऑफ देम इज नॉट इंटीजर. दैट्स वाई c बाई डी के फॉर्म में ज़रूर है, लेकिन ये दोनों इंटीजर नहीं है, इसलिए पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर. हियर
either C or D or both. C का मतलब circumference, D का मतलब diameter. तो ratio of circumference to diameter is called pi. Ratio of circumference to diameter is called pi, which is irrational. Or both, या तो C या D या both are not integers. So pi is irrational. कुछ irrational numbers मैं आपको बताता हूँ example, जैसे कि 1.10, 1.00, 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
यानी कि वही वही बार बार आ रहा हो, तो ये इरेशनल नंबर है. इज इरेशनल नंबर ऐसे ही 2.73733 ऐसे लिख लें, इज इरेशनल नंबर. नाउ इट इज अगेन इरेशनल नंबर. तो इस तरीके से अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो प्रिफरेबली आप डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसे नंबर लिखे जो जिसके में चांस ही ना हो कि वो कभी भी रिपीट करे, सो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना. आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग आया हो उसको आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.4 में कुछ का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है, तो उसको कैसे लिखें. नाउ एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में मैं वही क्वेश्चंस पिकअप करूंगा जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था, और फिर मैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिखूंगा. जैसे कि देखिए सेकंड पार्ट में टर्मिनेटिंग आया था 17/8, ये टर्मिनेटिंग आया था क्योंकि ये 2³ है. सो इट इज 17/2³ (5³) × 5³. इट इज 17/125 (2×5³). ऐसे कर दिया क्योंकि 2 पर भी क्यूब है, 5 पर भी क्यूब है. 17 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34 + 8, सो दैट इज 42, एंड 17 × 1 = 17 + 4 = 21 और डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि 10 का क्यूब है. तो इस तरीके से 2.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ. तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए. तो हम ये जानते हैं कि जिसका क्यू 2^n 5^m के फॉर्म में होगा, तो इसी वे में आपको लिखना होगा. डिवीजन मेथड से ना लिखे, ऐसे लिख दें. अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, 15/1600. तो हमने इसको 5 से कट कर दिया था तो 3/320 आया था. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, 5 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 3/320 आया था. फिर इसके आगे और किया था तो 2^6 × 5 आ गया.
थ्री अपॉन एक टू इंटू फाइव से तो पेयर बन गया, लेकिन ये जो टू टू द पावर फाइव बच गया उसके लिए हमें फाइव टू द पावर फाइव और चाहिए, तो इसलिए ऊपर फाइव टू द पावर फाइव और नीचे फाइव टू द पावर फाइव का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री इंटू फाइव टू द पावर फाइव है, तो एक बार फाइव क्यूब लिख दें और एक बार फाइव का स्क्वायर लिख दें। देखिए फाइव क्यूब और फाइव स्क्वायर, फाइव टू द पावर फाइव है, नीचे आइए, इट इज टू इंटू फाइव इंटू टू इंटू फाइव टू द पावर फाइव। फाइव क्यूब की वैल्यू 125 होती है और जबकि फाइव स्क्वायर की वैल्यू 25, और 25 थ्री जा 75 और डिवाइडेड बाई, यहाँ वन पावर है यहाँ फाइव पावर है, सो इसलिए टू इंटू फाइव टू द पावर सिक्स हो गया। अब आगे देखिए, नाउ इट कैन बी रिटन एज, अब इसमें मल्टीप्लाई आप कर दें 75 का 125 से, सो 125 में आप 75 का मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाती है 9375 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 का क्या मतलब हुआ, 9375 और नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए। 6 जीरोज का क्या मतलब हुआ, 00937 5, इसके आगे 6 डिजिट लगा दें, तो इससे ये पता चलता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल लिया। जो भी होगा 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पर लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 6th क्वेश्चन आया था, 6th क्वेश्चन में इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। सो इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपके पास एक 2 की कमी पड़ रही है, तो सबका जोड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3, यहाँ एक 5 की कमी पड़ रही है। सो 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है, एक 5 कम है, तो ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 115 आ गया और नीचे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो गया। दिस इज 115 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 क्यूब, ऐसा हो गया। या फिर इसे कहा जा सकता है कि 115 अपॉन 10 क्यूब या 115 अपॉन 1000, इसको 0.115 कहा जा सकता है क्योंकि 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया गया है। सो इस तरीके से हम कहीं से भी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पता कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, जिसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, दैट इज 6/15। तो 6/15 को कैसे करें, इसको आप 3 से कट कर लें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एंड इट इज वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट दैट इज 0.4। आप 5 से 2 में डिवाइड कर दें तो 5 4 जा 20, इट इज सिंपल मेथड। नाउ इसके अलावा 9th क्वेश्चन इज 35/50। अगर हम इसको 5 से कट करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7/10, सो इट इज 0.7। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट. इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, देन वॉट यू विल से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग रियल नंबर्स रियल नंबर है, ये बता नहीं रहा है कि रेशनल और इरेशनल है, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. इनका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यू डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट. रेशनल है या नहीं इस बात का आप निर्णय करें. इफ दे आर रेशनल, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, इस फॉर्म में है, वॉट यू से अबाउट फैक्टर ऑफ क्यू. थ्योरम 1.4, ये थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 का यूज करते हुए ये सारी बातें बतानी है आपको. नाउ फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 43.12345678 9, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. नो, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये बात कही जा सकती है कि 43123456789 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब 90 लग जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 43123456789 अपॉन 10 to the power 9. 43123456789 and divided by 2 into 5 to the power 9. So it is 43123456789 divided by 2 to the power 9 into 5 to the power 9. जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो 2 और 5 के टर्म्स में होगा ही. ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए किया गया है. आंसर शीट में नहीं लिखना है, बस आप ये लिख दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये ज़रूरी नहीं. सो क्यू या डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. ऐसा लिख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में हैं और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. इसी से कंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग है, रुक जा रहा है, इसलिए इसके
डिनोमिनेटर का ये फॉर्म होगा। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है 0.12012 0012 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 0
decimal expansion is non-terminating and non-repeating. ना तो ये रुक रहा है ना ही इसका कोई पैटर्न है. नॉन रिपीटिंग. सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म. पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. एंड इट इज इरेशनल नंबर. नथिंग कैन बी सेड अबाउट क्यू. जब ये इंटीजर है ही नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है, या तो पी नहीं होगा या क्यू नहीं होगा इंटीजर, तो ऐसे केस में नथिंग कैन बी सेड अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्यू. नथिंग कैन बी सेड अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्यू, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर के केस में ऐसा कुछ नहीं है. नाउ थर्ड केस 4, 3.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bar. ऐसे लिखा है. सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रहा है एंड रिपीटिंग. तो हम देखते हैं जब 3 से डिवाइड करें, 7 से करें, 11 से करें, ऐसा करेंगे तो वो होता ही चला जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि नीचे हम किसी भी तरीके से उसको 10 नहीं बना पाते हैं. 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बनेगा, इसी तरह से 7 को किससे करोगे, तो रुकता नहीं है. ऐसे केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है. सो डिनोमिनेटर is not of the form 2 to the power n, 5 to the power m, where n, n, m are non-negative integers. Moreover, given number is rational. इसलिए क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, रिपीट करता है, तो नाइन्थ में हमने देखा था रिपीट करता है, तो हम उसे x मान लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100x, 1000x करके उसे p by q के फॉर्म में कर सकते हैं. ऐसा हम 1.1 एक्सरसाइज में नाइन्थ में देख चुके हैं. तो इसको तो किया जा सकता है. अब जिसमें कोई पैटर्न ही ना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे उस एक्स को, और उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलोगे, तो इसे तो बदला ही नहीं जा सकता. अब यहाँ पर आपको मालूम है इतने जीरो से, यानी जितने भी हों 10^8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आप उसे पहले ही से एक्स मानोगे और फिर उतने से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा. तो इस तरीके से रेशनल है और उसे किया जा सकता है. सो इस तरीके से बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर का. इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में बताया जाएगा. थैंक यू बच्चों.